नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हां, बिहार के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकियां मिली हैं। ये धमकियां ऑडियो मैसेज के जरिए दी गई हैं। इन मैसेज में पप्पू यादव को सलमान खान के केस से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। साथ ही गैंग ने यह दावा भी किया है कि वो यादव के ठिकानों पर लगातार नजर रख रहे हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। ये धमकी उस समय सामने आई है जब पप्पू यादव ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई की खुलेआम आलोचना की थी। हालांकि अभी इन ऑडियो क्लिप्स की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इससे पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस गंभीर खतरे को देखते हुए पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ईमेल लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने व्हाइट श्रेणी की जगह जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का आग्रह किया है। इस ईमेल के साथ यादव ने उन धमकी भरी कॉल की ऑडियो क्लिप भी भेजी है। इन कॉल्स में उन्हें चेतावनी दी गई है कि गैंग को खत्म करने के दावे करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। यादव जी, जो अपने राजनीतिक करियर में कई खतरों का सामना कर चुके हैं, उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा है कि बिना सुरक्षा के उनकी कभी भी हत्या हो सकती है। पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने इन धमकियों को गंभीरता से लिया है और जांच के साथ आगे की कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।